सामने जो है बिल्कुल पूरा जो है हिमालय नजर आता है आजकल जो क्लियर होता है। मीन्स लाल टिब्बे का मैं आपको मतलब समझाऊंगा कि ये लाल टिब्बे का मतलब एक्चुअली क्या है, लोग यहाँ पर जो देखने आते हैं लाल टिब्बे में क्या ऐसी विशेषता इस लाल टिब्बा की, मैं आपको जानना जी। लाल टिब्बे का मतलब ये अगर तो इसका वेदर बिल्कुल क्लियर हो तो क्लियर होने के बाद अगर तो सुबह 5 बजे यहाँ से सूर्य उदय होता है तो पूरा पहाड़ रेडिश हो जाता है। उसके बाद में अगर जो सूर्य जब यहाँ पर अस्त होता है तो यहाँ पर पूरी गोल्डन शेप बन जाती है। इसके लिए इसका फॉर्म रखा गया है लाल टिब्बा। लाल टिब्बा एक टिब्बे का मतलब एक माउंटेन पहाड़। लाल टिब्बा एक पहाड़ होता है। अगर मसूरी यहाँ पर आप 7,500 फीट पे आप अभी खड़े हुए हैं, 6,000 हमारा मसूरी है, 7,500 फीट पे पूरी रेंज लंढोर कैंट में आता है ये। और यहाँ से जो है अब मैं आपको दिशा बता देता हूँ कि कहाँ ये, अगर हम सामने वाला थोड़ा सा देख रहे हैं जो थोड़ी सी पीक नजर आ रही है यहाँ से, ये है यमुनोत्री गंगोत्री वाला पीक। और यहाँ से अगर जो आप चेक यहाँ से जाना चाहते हैं तो ये हमारा एक रास्ता मैं आपको बताते हैं, यहाँ से सीधा आप जाएंगे पहले कैंप्टी फॉल ओके। कैंप्टी फॉल से 14 किलोमीटर नीचे जमुना ब्रिज ओके। और जमुना ब्रिज से जो है फिर जाते हैं आप नैनबाग, और नैनबाग से सीधा आप निकलते हैं मोरी और पुरोला जगह का नाम है, वहां से ये 125 मतलब और रास्ता यहाँ का बहुत बढ़िया रास्ता। और अगर जो आप यहाँ से बद्रीनाथ या केदारनाथ आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से रुद्रप्रयाग आप निकल सकते हैं। यहाँ से सब ऋषिकेश से पहले निकलते हैं रुद्रप्रयाग होते हुए और ये आपका उधर से होते हुए तो आप जमुना ब्रिज ओके। पहले आप कैंप्टी फॉल जाएंगे ओके। कैंप्टी फॉल से 14 किलोमीटर नीचे जमुना ब्रिज है ओके। और जमुना ब्रिज से आप रूट पकड़ते हैं नैनबाग होते हुए मोरी ओके। और पुरोला होते हुए तो आप यहाँ से यमुनोत्री। और अगर जो आप देहरादून जाएंगे तो देहरादून से आया हुआ विकास नगर हरपटपुर होते हुए और कालसी गांव होते हुए, सपोज आपको मसूरी नहीं आना है आप देहरादून से जाना चाहते हैं जी, विकास नगर होते हुए आप जो है यमुनोत्री आप जा सकते हैं दर्शन करने के लिए ओके जी ओके थैंक यू। अच्छा अब आप थोड़ा ये गाँव के बारे में, यहाँ का जो ये पूरा जो क्षेत्र है ये उत्तराखंड विलेजेस हैं ये सारे जी तो ये थोड़ा बताएं आप। हाँ मैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए मेरे हमारे सामने ही मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये सामने गांव है, इसका नाम है कांडा गांव ओके। ये कांडा गांव है और यहाँ पर 3 गांव और हैं जो यहाँ पर ट्रैकिंग होती है, जैसे कोल्टी मवाणा लेदोर यहाँ पर जो ट्रैकिंग में लोग जाते हैं, फॉरनर सिंगल्स कोई भी वहाँ पर जा सकता है। इन गांव की खास बात एक ये होती है, यहाँ की जो स्पेशलिटी ये होती है कि यहाँ आज भी जो है पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है ओके। किसी प्रकार का कोई केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होती, यानी जैसे हम लोग यूरिया वगैरह इस्तेमाल कभी कर लेते हैं खेतों में अपने, वो चीज़ यहाँ पर नहीं, नेचुरल और नेचर जिसको हम कह सकते हैं वो चीज़ जो है यहाँ पर होती है।